हेलो नमस्कार, सिलेक्शन मेंटर पे आप सभी का स्वागत है। और सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में जो हम अच्छे से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसको कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस अच्छे अच्छे देखेंगे। कुछ नए नए कॉन्सेप्ट में आज छोटे छोटे बीच में बताऊंगा, छोटी छोटी मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे बीच बीच में। तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल ये छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि शेयर आप अगर करते हैं अपने फ्रेंड्स में तो हमको पता चलता है कि वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अगली वीडियो और अच्छे से पूरे जोश के साथ पढ़ाने में मज़ा आता है और आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक छोटा अनाउंसमेंट, व्हाट्सएप नंबर 9121815869, जो लोग नहीं जुड़े हैं ये व्हाट्सएप नंबर उनके लिए है जो अभी तक व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़ जाते हैं तो वीडियो के कई बार नोटिफिकेशन नहीं आते आपके पास यूट्यूब से, तो हम आपको सीधा वीडियो का लिंक आपको दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, क्वेश्चन लेते हैं। कितनी सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी, अब इसमें देखते हैं कि क्या है और खास खास मिलेगा आगे। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके दिखाइए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये, वो पैटर्न मैं हमेशा उठा रहा हूं जो पैटर्न आपका एग्जाम में आ रहा है। क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार देख लो पहले ध्यान से, फिर क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं चीजें कि 64% ऑफ 351, 11.1% ऑफ 222, बताना है क्या होगा। ये छोटी सी चीज है, मतलब करना ही पड़ेगा मुझे, 64% निकालना ही पड़ेगा। या फिर इसके अंदर और भी चीजें छोटी छोटी हो सकती हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि परसेंटेज ब्रेक करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक, तो उसके बेसिस पे आप किसी भी नंबर के पार्ट करके निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं बात करूं इसकी, अगर मैं इसी को यहां पे पिक कर लूं, तो अब 64% अगर आपको इसका निकालना हुआ तो आप कैसे निकालेंगे, सोच के देखिए कि 64%। दोनों तरीके हैं, मैं आपको सिखाता हूं। एक छोटी सी चीज पहले मैं आपको बता दूं कि ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो पता होगा कि भैया ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए होता है। मतलब 351% ऑफ 64 लिख लूं मैं, 351% ऑफ 64 या फिर 64% ऑफ 351, एक ही बात है। इतना समझ में आ गया। दूसरी बात यह है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, यह भी इजी है, यह भी इजी है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं, कई बार ये बड़े बड़े परसेंटेज बड़ा निकालने में आसान होता है। कैसे, छोटा आप 60+4 कर सकते हो, उसको कैसे कर सकते हो भैया, 60% + 4%, ये भी बड़ा आसान से तरीका है, लेकिन कई बार पॉइंटों में आ जाएगा, बड़े आराम से कर सकते हो। लेकिन ऐसे भी कर लो या फिर ऐसे कर लो, मैं आपको बता रहा हूं, 351 को तीन टुकड़ों में ब्रेक कर लोगे, 300%, 50% और 1%। ठीक है, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ मैं बता रहा हूं। अच्छा, 300% कैसे निकालते हैं किसी चीज का, 64 का 300% कि 64 का 100% तो 64 होता है, तो 300% क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई, 6 × 64 = 180, 4 × 12 यानी कि 192 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यहां पर 300% यहां पर 192 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको यहां पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्योंकि 50% कितना होगा, 32 होगा। अच्छा, यहां पे 1% कितना होगा, आप कहेंगे 0.64, क्योंकि 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, उन सबको आप ऐड कर लो तो 2 × 2 = 4 यानी कि 224.64 हो गया आपका, कितना हो गया, 224.64, यानी कि इस चीज को हमने ऐसे करके निकाल दिया। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, मैंने ये भी बताया, मतलब आपको परसेंटेज को ब्रेक करना आना चाहिए। अगली चीज है आपके सामने क्या, कि भैया 11.1% कितना होगा, तो इसको कैसे करोगे आप, पहले 10% निकालोगे, फिर 1% और फिर 0.1%। फिर मैं बोल रहा हूं कि ये चीज लिखने की थोड़ी ना होती है, ये तो आपको माइंड में पता होती है। ठीक है, तो 10% कैसे निकलेगा, 22.2 प्लस 1% कैसे निकलेगा, 2.22 और 0.1% 0.22। ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको, इन सबको ऐड कर लो, 22 और 2 = 24 और ये सारे 2, 2, 2 ऐसे ऐड हो जाएंगे कि 6, 4, 2 बन जाएंगे, तो 24.642। इसका जल्दी से आंसर मुझे बता दो कि भैया इसमें 24.642 ऐड कर दो तो कितना आ जाए। अगले सवालों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहां लेने की कोशिश की थी, परसेंटेज ब्रेक वाली चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जितने लोग बताएंगे डेली बेसिस पे मैं उनको रिप्लाई करता हूं हर बंदे का, तो काफी अच्छा लगता है। एक एक बंदे का जब नाम याद हो जाता है तो लगता है कि यार उसका सिलेक्शन हो जाए, तो मतलब दिमाग में रहता है नाम भी, है ना, तो काफी अच्छा लगता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं चलिए आज।
उसके बाद छोटी छोटी ट्रिक्स भी आज मुझे डिस्कस करनी है, कुछ मल्टीप्लाई की है, कुछ स्क्वायर कैलकुलेशन की है, छोटी छोटी है बट बहुत ज्यादा काम की है आपके। ठीक है, चलिए सवाल आपके सामने है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी एक ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूं, सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूं इस चीज की, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है मेरी ट्रिक। ठीक, क्या है कि 151 3 बटे 16, 256 1 बटे 4 माइनस का 15 7 बटे 8। आपको पता होगा कि हम बीच में प्लस लगा के काम बना लेते हैं अपना, है ना, प्लस लगा लिया भैया काम बन गया, इतना तो बना लेंगे हम काम। अच्छा, यहां माइनस लगा हुआ है तो फिर अंदर भी माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट लग जाता है यहां पे, प्लस आएगा अंदर तो माइनस वाला जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाले को माइनस कर देगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक, दूसरी चीज क्या है, तो ये वाले जो नंबर है इनको सबको एक साथ लिख लो, एक साथ लिख लो या फिर ऐड कर लो, मैं लिख के समझा रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से। ठीक है, बाकी चीजों को एक साथ लिख लो। अब वीडियो पॉज करके आपको देना है आंसर, मतलब ये नहीं कि आप मुझसे समझ रहे हैं, कुछ लोग कुछ चीज समझने वाली कोई बात ही नहीं है, आपको सारी चीजें आती हैं। अच्छा, लिखा है 16 4 8, तो यहां पे कितना एलसीएम आ जाएगा, 8 × 16 4 × 16 यानी कि 16 एलसीएम आ सकता है यहाँ पे, 16 × 16 यानी कि 3, 4 बार जाएगा यानी कि 4, 2 बार जाएगा मतलब 8। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो 4 और 3 7 में से 8 गया, बचा माइनस का 1। अगर मैं इसको हटा के माइनस का 1 लिख दूं तो बनेगा कितना, माइनस का 1/16। ठीक, माइनस का 1/16 समझ में आ गया, 8 × 16 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 × 14 आ जाएगा यहाँ पे, कितना बचा एक बार लिख लेते हैं, 16 × 16 यानी कि 3, यहाँ पे 2 × 4 4 × 16 यानी कि 4, और माइनस का 2 बार जाएगा ना यहाँ 14, तो 4 × 3 7 यानी कि माइनस का 7 आया, कितना आया माइनस का 7 आया। ठीक, ये कितना आएगा, 151 256, और माइनस ये आ गया यहाँ पे 6 और 1 7, 7 में से 5 गया, 2 बचा 392। So, 392 माइनस का 7/16 आ गया, 7/16 आ गया। ठीक है, अब यही चीज तो मैं समझा रहा हूं, 392 माइनस 7/16 आ गया, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था हमेशा पिछली वीडियोस में भी, कि यहां पे मैं डायरेक्टली आंसर कैसे निकालूं। तो डायरेक्टली मैं कैसे निकाल सकता हूं, मेरे हिसाब से आंसर आएगा 391, नीचे आएगा 16 और ऊपर आएगा 9। तो 391 9/16 मैंने 1 सेकंड में आंसर लिख दिया। कैसे लिख दिया, वरना आप कैसे करोगे भैया, नीचे 1 16 एलसीएम ले लो, फिर इसे 16 से मल्टीप्लाई, ये करो वो करो, फिर जाके ये आंसर आएगा। मैंने कैसे निकाला आंसर, वो मैंने ऐसे निकाला, एक बार फिर से मैं आपको समझाऊं कि कभी भी इस नंबर में से अगर कोई फ्रैक्शन माइनस होगा, फ्रैक्शन बोले तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा मतलब वो नंबर लेस देन 1 होगा, ये नंबर लेस देन 1 है। ठीक है, तो 392 को एक कम हो जाएगा 391, नीचे वाला नंबर ऐसे ही रहेगा और ऊपर क्या आएगा, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, 16 माइनस 7 ऊपर आ जाएगा 9, 16 माइनस 7 ऊपर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके मैं एक दो एग्जांपल और छोटे छोटे कराता हूं आपको, जिससे और प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम फ्रैक्शन को हटा के कुछ और चीजें यहां पे मल्टीप्लीकेशन के लिए लेते हैं, जो आपके काम की होने वाली है। ठीक है, तो जैसे मैं हमेशा समझाता हूं, अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया छोटा सा, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, पहले मुझे सोच के बताइए, मैंने लिखा 352 माइनस का कुछ भी लिख लो 5/213 तो कैसे करूंगा, मैं एक बार फिर समझाता हूं आपको, ये नंबर आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, 5/213 क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब ऊपर वाला नंबर छोटा नीचे वाला बड़ा, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर नंबर मेरा इम्प्रॉपर है, मतलब ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो आप पहले उसे कन्वर्ट कर लो प्रॉपर में, कन्वर्ट करना आता है ना। ठीक, अब 352 माइनस का 5/13 लिखा हुआ है, 213 लिखा हुआ है, तो कैसे करूंगा, मैं एक बार समझा दूं कि 352 का तो बन जाएगा 351, एक छोटा, क्या बोला, एक कम, 352 का 351, अब नीचे आ गया 213, तो ऊपर क्या आएगा, नीचे वाला माइनस, मैं लिख दूं पूरा 213 माइनस का 5, 213 माइनस का 5, तो कितना आंसर आ गया 351। देखिए, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इंसिस्ट कर रहा हूं आपको, मतलब ये आपकी ड्यूटी है कि आपको शेयर करना है फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारा ग्रोइंग चैनल है, हम भी चाहते हैं, क्योंकि मैं पार्ट टाइम आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता हूं, आई एम वर्किंग इन FCI, आपको सबको पता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी मोटिवेशन चाहिए, अच्छे से वीडियो शेयर हो, अपने सारे ग्रुप्स में फैला दो, व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह फैलाओ। तो 213 में से 5 जाएगा, कितने बचेगा, 208, 208 बचेगा, मतलब आंसर आ गया आपका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रैक्शन में ही, और फिर चीजें आगे करेंगे। आगे आने वाली वीडियोज में आपको इनइक्वालिटी की बहुत ही खूबसूरत ट्रिक आपको मिलने वाली है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक बार फिर बोलता हूं व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएं, जिससे आपको वीडियो के लिंक और बाकी चीजें जो हम पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं वो आपको डेटा डेली का मिलता रहता है, और बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपको डेटा मिलता रहता है, लाइक करंट अफेयर्स एंड ऑल, पूरा चीजें हम आपको देते रहते हैं पीडीएफ बुक्स। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, तरीका क्या कहता है, वीडियो मत देखो, पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन को पॉज करो और अपने कॉपी में आंसर निकालो, फिर वीडियो को फॉरवर्ड कर लो, मत देखो मैंने कैसे किया है, क्योंकि मैं ऐसे ही करूंगा जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। तो वीडियो पॉज कर दो और जल्दी से इसका आंसर बता दो। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देता हूं एक बार आपके साथ साथ। माइनस का 110, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, यहां क्या बनेगा 3 बटे 18 प्लस 9 बटे 18 और माइनस का 15 बटे 18, मतलब आसान हो गया काम, सब जगह 18 18 18। ठीक है, तो 18 एलसीएम आ गया नीचे, ऊपर क्या बना 3 प्लस 9 माइनस 15, यानी 9 और 3 होते हैं 12 में से 15 जाएगा, बचेगा 3, वो भी माइनस का, तो माइनस का 3 बटे 18। ठीक, अब ये कितना आ गया भाई, 110 माइनस करूंगा 6 5 11 1 3 और 1 4 5 यानी कि 51, और यहां बन गया 351 माइनस 110 यानी कि 241। तो 241 माइनस 3 बटे 18, देखो क्या बना ये, मतलब इतने बड़े क्वेश्चन का ये आंसर आया कि 241 माइनस का 3 बटे 18, 241 माइनस का 3 बटे 18 को सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका मेरे पास है। 241 का बन जाएगा 240, 18 रहेगा 18 और 3 बन जाएगा 15, यानी कि 18 में से 3 गया 15। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, 3 से काट लो, 3 5 15 3 6 18, यानी कि 240 5 बटे 6 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई अच्छे से, क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, और भी क्वेश्चंस करते हैं मिसलिनियस। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मैं अभी ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि आप 11 से मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर्स, ये सब चीजें मैं छोटी छोटी आपसे डिस्कस करता रहूंगा हमेशा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इसके बीच में, काफी मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। क्या है सवाल दिया है आपके सामने, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है कि 1 + 7 × 31 × 7 × 33 / 7 × 32, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग करते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आपका ये वीडियो सफल हो जाएगी, क्योंकि इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं और भी 3-4 क्वेश्चन आज ही कराऊंगा आपको अभी इस वीडियो में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 1 + 7 × 31 × 7 × 33 × 7 × 32, सोच के देखिए क्या आएगा, सोचिए इसका कितना आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं, और इसके जैसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन कि 1 + 7 × 31 × 7 × 33 × 7 × 32 / में है, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो नीचे वाले नंबर ऊपर वाले नंबर के आसपास है, यानी कि एक कम है एक छोटा है एक बड़ा है, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है, 5 कम 5 छोटा भी हो सकता है, 5 बड़ा, मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन आसपास होगा। तो इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज समझ में आई भैया कि 1 + अगर मैं नीचे वाले को x मान लूं, 7 2 3 2 को अगर मैं x मान लूं, तो ऊपर वाला नंबर एक छोटा है कि नहीं है, x-1 लिखूंगा, और ये वाला नंबर एक बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा x+1 लिखूंगा। बात समझ में आ गई कि नहीं है, एक बार और समझेंगे, ये मैं डायरेक्टली ट्रिक समझा रहा हूं आपको। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर तो 7 2 3 2 आ गया, इसका काम खत्म, क्या आंसर आ गया 7 2 3 2। लेकिन मैं आपको समझा दूं, इस तरह के क्वेश्चंस पीओ लेवल में आए हुए थे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो ट्रिकी वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे है 7 2 3 2, ऊपर है 7 2 3 1 7 2 3 3। ठीक, अब कैसे करें, x-1 x+1 क्या बन जाएगा, a-b a+b बन जाता है a² - b² समझ में आई बात, a² - b² बनता है कि नहीं बनता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो क्या मैं इस 1 से ये 1 काट दूंगा, बिल्कुल काट दूंगा, ये ऊपर बनेगा x² / x, कट गया, कितना आंसर है x, मतलब नीचे वाला नंबर जो हमने x माना था वही मेरा आंसर आएगा। लेकिन कब आएगा, ध्यान से देखो पूरे पैटर्न को, ऐसे उंगलियों पे काम नहीं चलता है। अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर पे क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, चलिए मैं फिर बोल रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, अपनी उंगलियों को कष्ट दें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो कष्ट दें अपनी उंगलियों को। अगला सवाल है, लिखा है 4 + 673 675 677। ठीक है,
क्या क्वेश्चन है कि 4 प्लस 673 इनटू 677 अपॉन 675, 1 तो नहीं है, 1 क्यों नहीं है? अब आपको चीजें क्लियर होंगी, 1 क्यों नहीं है, नीचे 675 है। आंसर की बात करूं तो आंसर कितना आ गया, 675। कैसे? अगर मैं 675 को x मान लूं तो इसको मेरा क्या बनेगा भैया, नीचे x है, ऊपर क्या है 4 प्लस, ये क्या है x माइनस 2, क्या है ये x माइनस 2, और ये क्या है x प्लस 2, तो ये क्या है x प्लस 2। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो बनेगा 4 प्लस x स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा यहां पे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यानी कि माइनस का 4 से प्लस का 4 कटेगा, बना x स्क्वायर अपॉन x, x से x कट गया, यानी कि x आंसर, x मतलब है 675 इज इक्वल टू x। तो बात समझ में आ रही है, इस तरीके से क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, एक सेकंड में क्वेश्चंस कर सकते हो आप, मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे सारे बच्चे और कमेंट सेक्शन में मुझे अच्छे से क्वेश्चन को आंसर करके बताएंगे, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए, क्वेश्चन नंबर एक आपके लिए, 144 प्लस 3544 इंटू 3522, जल्दी सोच के बताइए कितना आंसर आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये भी पता होना चाहिए, सिर्फ तुक्के से काम नहीं चलता है। अगला सवाल है 25 प्लस 8590 8600, नीचे है 8595, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चंस के दोनों के आंसर बताने हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं मानता हूं कि क्वेश्चन सिंपल है, अब सिंपल लगने लगा होगा आपको क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब जब कॉन्सेप्ट आदमी समझ जाता है तो फिर उसको आसान लगने लगती हैं चीजें, ठीक है। तो चीजें आपको आसान लग रही हैं, अभी इसका आंसर जल्दी से मुझे बताइए, पहले का आंसर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा। मैं हिंट दे देता हूं थोड़ा कि इसको अगर मैं x मान लूं तो ये वाला नंबर मेरा 12 ज्यादा है और ये वाला नंबर मेरा 12 कम है, यानी कि ये x, तो ये x माइनस 12 और ये x प्लस 12, और 12 का स्क्वायर 144 कटेगा, यानी कि आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। कमेंट करना था आपको, अब तो मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहां 8595, ऊपर वाला नंबर 5 कम और ये वाला नंबर 5 ज्यादा, और आपका ये 25, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर से 25 कट जाएगा और आपकी बात आ जाएगी समझ में, ठीक है। जल्दी से बताइए कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो कमेंट करिए, आराम से शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं मान के चलता हूं मतलब छोटा प्लेटफॉर्म है हमारा, अभी ग्रोइंग है, चल रहा है आगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी बड़ा टीचर बड़ा नहीं बनता है, वो अपनी मेहनत से और आप लोगों के सपोर्ट से बनता है। तो आप लोगों की सपोर्ट होगी तो हम लोगों की मेहनत और बढ़ेगी और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, और सिंप्लीफिकेशन को पूरी तरीके से निचोड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।